हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम में पासवर्ड लगाने की। तो कल जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर और एमएस वर्ड में हम पासवर्ड लगा देते हैं फाइल पर, वैसे क्या हम टैली पर भी लगा सकते हैं ताकि हमारी फाइल सेफ रहे, हम जब चाहें तब उसे एक्सेस करें, तब हम खोलें, पासवर्ड से वो प्रोटेक्टेड हो। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और टैली ERP 9 में तो बहुत ही आसान था, थोड़ा यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर वो सारी चीजें कंपनी बनाते वक्त कम से कम आपको नहीं दिखेंगी। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। F3 प्रेस कीजिए और यहाँ से मैं आ जाता हूँ अल्टर कंपनी पर। तो जैसे ही अल्टर कंपनी पर आएंगे तो देखेंगे कि ये जो रामा एंटरप्राइजेस जो हमने कंपनी बनाई है, इसमें कहीं भी पासवर्ड या वॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ से पहले आप आ जाइए बाहर, ठीक है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर हम रहेंगे और यहाँ से आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ K, ठीक है। जैसे ही अल्ट के साथ K प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर ये विंडो खुल करके आएगी जो कि कंपनी की विंडो है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, फीचर, सिक्योरिटी, टैली वॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस। टैली को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अक्षर इसमें कैपिटल लेटर्स में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए A दिया हुआ है, फिर यहाँ G दिया हुआ है, S दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये शॉर्टकट की है। आप सिर्फ A प्रेस कर दीजिए, आप अल्टर पे आ जाएंगे। आप G प्रेस कर दीजिए, आप चेंज पे आ जाएंगे। आप S प्रेस कर दीजिए, आप सेलेक्ट पे आ जाएंगे। H प्रेस कर दीजिए, शट हो जाएगी कंपनी। या फिर कंट्रोल के साथ F3 भी प्रेस करेंगे तो वहां से भी कंपनी हमारी शट हो सकती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से क्या होगा, यहीं से पासवर्ड लगेगा आपका। और बाकी जो वॉल्ट पासवर्ड वाला ऑप्शन आता था वो वॉल्ट पे जाकर लगा सकते हैं। अभी हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आएंगे सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस ये खुल जाएगा आपके सामने। रामा एंटरप्राइजेस हमारी ये कंपनी का नाम है। यहाँ से वाई प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है। यहाँ पे यूजर नेम मैं डाल देता हूँ, ये मेरा यूजर नेम है। और यहाँ पर आ जाएंगे आप पासवर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ कुछ पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर उसी पासवर्ड को हम करेंगे रिपीट, ठीक है। ये रिपीट कर दिया हमने। अब एंटर एंड आईडी डालनी होगी तो यहाँ पर ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। ये हमने ईमेल आईडी डाल दी, ओके। और एंटर 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 प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करा लिया, अब हम टैली से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गए हम टैली से बाहर। अब फिर टैली को ओपन करते हैं। अब जैसे ही इस टैली को हम ओपन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं रामा एंटरप्राइजेस, ये हमारी कंपनी है। यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यूजर नेम डाल देता हूं, हमारा जो यूजर नेम था वो यही था। अब पासवर्ड की बात करते हैं तो ये पासवर्ड हमने डाल दिया और ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। बिना पासवर्ड के ये हमारी कंपनी ओपन नहीं होगी, ठीक है। अगर हम F3 से कोई और कंपनी सेलेक्ट करते हैं, इस कंपनी को शट कर देते हैं, यहां से शट कर दिया, ये हमने कंपनी को शट कर दिया। कोई भी ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे अमन ट्रेडर्स ये कंपनी है तो इसको हमने ले लिया, तो ये देख सकते हैं ये खुल गई है। लेकिन अभी हमने रामा एंटरप्राइजेस में पासवर्ड लगाया था तो हमें उस कंपनी को ओपन करना है। तो अभी फिर से F3 प्रेस करता हूं और यहां से आ जाते हैं हम कहां पे, सेलेक्ट कंपनी पर, और इस बार रामा एंटरप्राइजेस को हम करने वाले हैं ओपन। तो यहाँ पे R प्रेस करता हूं तो ये देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है रामा एंटरप्राइजेस। यहां पर जैसे ही आएंगे तो फिर ये पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पासवर्ड डाला, फिर यूजर नेम डाला, फिर यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। अब इसको अल्टर, डिलीट, कुछ भी आप जो करना हो कर सकते हैं। अल्ट के साथ की प्रेस कीजिए और ये विंडो दोबारा से ओपन होगी। आप चाहे तो अल्टर कर सकते हैं कंपनी को, कुछ इसमें चेंजिंग चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं, जो इच्छा वो करिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।